हेलो फ्रेंड्स, नीतूस कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्जी जो विटामिन से भरी हुई है। जैसा कि ये ग्रीन वेजिटेबल है और फाइबर में बहुत ही रिच है, इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल हीट करा है और 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे इसमें। इसको क्रैकल होने देंगे, देन हींग ऐड करेंगे। हींग से टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। एंड देन 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप ऐड करेंगे इसमें। बस यही हमारा तड़का है, इसी से हमने तड़का दिया है इसको। कोई अनियन गार्लिक इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तुरई को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप देखिए, इसको अपने अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी छोटा या बड़ा। देखिए, 2 कप भर के जो है मैंने तुरई ली है 500 ग्राम, इसको ऐड करके। आइए, अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, देन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करके हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो तुरई के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, तुरई का नाम सुनते ही हमारा मुँह बनने सा लगता है, बट असल में ये टेस्टी होती है बहुत सब्ज़ी और हेल्दी भी है। जैसे कि ये ग्रीन वेजिटेबल है तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। इसको आइए लिड से कवर करके हम 7 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। आप देख सकते हैं तुरई में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो देखिए कितना वाटर इसमें आया है। आप देखिए इसको, अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें, और अगर आपको इसे ड्राई करना है तो आप इसे फिर से हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे हम। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें वाटर का कंटेंट और भी ज़्यादा आ गया है और हमारी तुरई जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। देखिए, वाटर एकदम ड्राई होने तक हमें इसे कुक करना है, और फिर से लिड से कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं वाटर थोड़ा ड्राई हुआ है। आइए, इसमें हम चॉप किया हुआ खूब सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड करते हैं एंड देन इसको एक अच्छी तरह मिक्स कर देंगे हम। देखिए, हमारा वाटर जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और हमारी तुरई भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। इसको हम लिड से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट्स और कुक करेंगे। अब देखिए, पूरी तरह वाटर जो है एब्जॉर्ब हो चुका है, ऑयल जो है सेपरेट हो गया है सब्जी से। बस इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे अच्छी तरह एक मिक्स देके सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी टेम्पटिंग सी बनी है सब्जी, बहुत जल्दी कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। हमने इसमें कोई अनियन गार्लिक टमाटो का यूज़ नहीं किया है। फ्रेंड्स, ये पराठे, रोटी और राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हमें इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे कि ये ग्रीन वेजिटेबल है, बच्चों को भी हमें इसे खिलाना चाहिए। तो आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।